गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, सल्यूशन लेक्चर नंबर 7 को तुम मानक सब वेलकम कर। सो प्रीवियस क्लास कौन पढ़ी आम आइडियल सल्यूशन नन आइडियल सल्यूशन नन आइडियल सल्यूशन को टू पार्ट क्लासीफाए करते जोटा कि आसला नन आइडियल सल्यूशन सोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, नन आइडियल सल्यूशन सोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। मैं ऑलरेडी नेगेटिव डेविएशन कर दे थे, पॉजिटिव डेविएशन कहीं करा आउ थे खाली तुम डिस्कस कर देव सर्ट सर। पॉजिटिव डेविएशन माने कौन होती जितकी वेपर प्रेशर हो रहा था अधिका हम वेपर प्रेशर के गोटे लिक्विड वेपर प्रेशर के अधिका हम जिते सल्यूशन न कह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन थी आम जानते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिते अधिका से वेपर प्रेशर कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिते कम से वेपर प्रेशर कम आसो अधिका आस। ताले सोइंग पॉजिटिव डेविएशन केस में आम कौन देखा ये आम देखते सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ये तो आम देखते सॉल्वेंट को ए बॉन्ड ए नहीं, सॉल्यूट को बी बॉन्ड बी नहीं, एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को ए बॉन्ड बी नहीं। आम ये क्या चेक करते सॉल्यूशन वेपर प्रेशर माने ए बी रो इंटरेक्शन आम चेक कर तेने ए बी रो इंटरेक्शन जिते कम हम से कम आस वेपर प्रेशर आस। कैसे मन रखा ए ए भीतर थी इंटरेक्शन बी बी भीतर थी इंटरेक्शन ग्रेटर ग्रेटर देन कौन आसो ए बी भीतर थी इंटरेक्शन भर कौन आस ग्रेटर देन आस। मैंने सल्यूशन जो सल्यूट और सॉल्वेंट भितर जो इंटरेक्शन अच्छी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी आस कम आस कम आसे ही से कौन कर अधिका वेपर फॉर्मेशन कर जी अधिका वेपर फॉर्मेशन कला तर वेपर प्रेशर कौन आसो अधिका आस। तेन ए भी जेहतु तर इंट्राक्शन कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम से ही केस ए भी कौन कर बहुत गुड़े प्रेशर फॉर्मेशन कर सरी वेपर फॉर्मेशन कर जिते वेपर फॉर्मेशन करते वेपर प्रेशर कौन हो इनक्रीज कर मन रखा। जेहेतु इंट्राक्शन कह सब कम आसला ए बी भितर इंट्राक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट भितर इंट्राक्शन सब कम आसला सॉल्यूशन इंट्राक्शन सब कम आस कौन हो टोटल प्रेशर पी टी टोटल वेपर प्रेशर जो कहीपर ग्रेटर दैन कौन आस पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मैंने यमान को आड करदे कार वेपर प्रेशर अधिक आस सॉल्यूशन वेपर प्रेशर अधिक आस चेक करदे एटा। दुई नंबर पॉइंट देखा डेल वी मिक्सचर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर पॉजिटिव आसो नेगेटिव आस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहार कम आसूसन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम माने वॉल्यूम अधिका भितर पार्टिकल्स पार्टिकल्स भितर एक न था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम से दूरे दूरे आते दूरे से कौन वॉल्यूम बढ़ी तेरे फाइनल डेल वी मिक्स चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल जोटा कि आसो कौन पॉजिटिव आसो बात आम लिखिपर कौन डेल वी मिक्सचर ग्रेटर देन कौन जी नि बुझीप। नंबर डेल एच चेंज इन एंथाल्पी ऑफ मिक्सचर बा सॉल्यूशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह रहा कम ए बी बा सब प्रोडक्ट मैंने ए इंट्राक्शन ए बी इंट्राक्शन बी कौन प्रड्यूस कर इंट्राक्शन ए मैंने ए बॉन्ड भांगुला बी बॉन्ड भांगुला सो ए आउ बी भितर इंट्राक्शन हो ए मन कर 50 किलोजूल भांगिया 50 किलोजूल रिक्वायर बी के दरकार 40 किलोजूल कि देखिले हटात ये इंटरेक्शन भितर फॉर्मेशन होतर एम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमी जाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमी जाए मैंने एनर्जी अधिका रिलीज हम ना कम रिलीज हम कम रिलीज हम ऑब्वियसली मन करवा टोटाल कितने आसला 60 किलो जो कौन होगा कि लिवर तेनाली जानते कौन एंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंथाल्पी रिएक्टेंट के 90 किलो जो माइनस 60 किलो जो के आसोटिव डेल एच मिक्सचर जो डेल एच मिक्सचर जो कौन आस देन जीरो लेस देन जीरो कारण मुझे कही सारी अलरेडी जेहेतु ए ए बॉन्ड और बी बॉन्ड को भांगिया हमको बहुत कम एनर्जी जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो मैंने एनर्जी रिलीज हम तेल यही केस मन रखा हीट अब्जॉर्ब्ड इज ग्रेटर देन हीट रिलीज हीट रिलीज कौन अच्छी कम अच्छी फाइट हीट अब्जॉर्ब कौन अच्छी अधिक अच्छी
અને HP માઈનસ HR માઈનસ HP કદલા આમે કોપ આવી ગલે 90 માઈનસ 60 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેસ સોરી પ્લસ આસીબો 90 માઈનસ 60 બા પ્લસ થે અને એ કેસે કોસ્ટી હીટ ઓફ અબ્સોર્બ ગ્રેટર ધેન કોસ્ટી હીટ રિલીઝ અને એ કેસે જે ગ્રેટર ધેન 0 આસ્તી તાર ભી ડેલ એચ મિક્સચર બા ચેન્જ ઇન મેન્થલ એન્થાલ્પી ઓફ સોલ્યુશન બા મિક્સચર કે કાસીબો ગ્રેટર ધેન 0 90 माइनस 60 माइनस भूल लिख दी सो पॉजिटिव आसो पॉजिटिव आसान एंड कही पार से केस एक्जो कहते एक केस कौन कही पार एंड ग्राफ चेक कर दियो मोल फ्राक्शन को एक्स एक्सीस नहीं वेपर प्रेशर को वाई एक्सीस मोल फ्राक्शन ओके मोल फ्राक्शन अफ ए जीरो मोल फ्राक्शन अफ बी के वन आसला एक केस मोल फ्राक्शन अफ ए वन रहा मोल फ्राक्शन अफ बी के जीरो এটা হচ্ছে পিওর এ আছে এটি কেটা আছে পিওর বি আছে পিওর বি মানে তো ভেপার প্রেসার কেটা আছে পি নট বি পিওর এ মানে ভেপার প্রেসার কেটা আছে ওটি পি নট বি চেক কর দিও কেটা আছে এটা গ্রাফ আছে এটা রাউন্ড স্লোপ যদি এ পজিটিভ ডেভিয়েশন দেখো মানে কোন হচ্ছে তার অধিক যত কি হেবা তার কোন আছে অধিক আছে তাহলে টোটাল ভেপার প্রেসার যে আসবে পি ইজ ইকুয়াল টু কেটা আসবে পি এ প্লাস পি বি কিন্তু কাউটা এটা হচ্ছে টোটাল প্রেসার মানে এটা হচ্ছে মনে রাখিবা কোটা আছে এটা পি এ আছে এটা এটা পি এ এর মধ্যে এটা আসছে কম পি বি আর পি আর পি বি কো অ্যাড করে দিলে আমরা টোটাল ভেপার প্রেসার অফ সলিউশন ইজি ডেম পাই পাই পুরো যা পড়ি দিল নেগেটিভ ডেভিয়েশন পজিটিভ ডেভিয়েশন পুরো তার ঠিক উল্টা বা রেসিপ্রোকাল করতে পুরো ইজি জলদি স্ক্রিনশট নিয়ে যাও নেক্সট আমরা যাব ओके तर मेन टॉपिक हम जोटा के हमर अछि आजिनो मेन जोटा की सॉल्यूशन 7 जोटा अछि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड इवोल्योस्कोपिक कांस्टेंट ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रे को आसी गोटे इवोल्योस्कोपिक कांस्टेंट आसी तर मन के बाटी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एटा सब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी केमिति प्रूफ करि बेस्ट हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आगे जानिबा बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड स्टेट रे ऑलरेडी तो पढ़ी सा छिबो बॉइलिंग पॉइंट कोन जो टेंपरेचर रे तो लिक्विड रे वेपर प्रेशर पहुंची एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो समान होछ तो टेंपर एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जांपल देखो एक कंटेनर नेबा वाटर बॉइल करबे एठी आ अछि H2 अछि तो टेंपरेचर दे ओपन कंटेनर अछि ओपन कंटेनर प्रथमे त टेंपरेचर हटात देले छि जो वेपर फॉर्मेशन रे सराउंडिंग रे मिसुथला कि मिसुथला त निसिबा पॉसिबल केते बळ हला जेते बळे ए जो वेपर फॉर्मेशन करछि वाटर बा H2 जो फॉर्मेशन करछि आर वेपर प्रेशर ता कहि गेला ए जे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से समान हे जबो बा ताठो टिके अधिक हे गेले से कोन कर परबे एठी मिसिबा स्टार्ट करछु एक्सचेंज करि सिस्टम टू सराउंडिंग कौन करेंगे माने मैटर एला आज वेल आज एनर्जी कौन करेंगे से एक्सचेंज करेंगे तो मन जो टेम्परेचर गोटे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कौन होची एटमॉस्फेरिक प्रेशर सहित सामान होने कौन कह बॉइलिंग तर मन रखा द टेम्परेचर एट व्हिच द टेम्परेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to atmospheric pressure and जो temperature है उटे liquid का vapor pressure पाप vapor pressure हम कहते हैं तब क्या है तो समान हो ची atmospheric pressure से तो समान हो तब तक हम कौन कहेगा boiling point नोट नीचे तो सबसे चेक कर दिया इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट व्हिच इट्स वेपर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड और वेपर तो लिक्विड और वेपर प्रेशर जो टेम्परेचर रे पहुंची एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो समान हो जाउ छी तंत्र कम कम पाई बाटी बॉइलिंग पॉइंट और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट केते 100 डिग्री सेल्सियस माने 100 डिग्री सेल्सियस रे वाटर और वेपर जो फॉर्मेशन हो छी ते सराउंडिंग से तो कहि परबे एक्सचेंज कर परबे कोन कर परबे कि एक्सचेंज कर परबो आज माने को प्रेशर समान है तो प्रेशर अधिका एठु मु प्रेशर दउ छी त तमो आउर के प्रेशर दउ छी मो जेतु बड़ अधिका त मु चाकी हो कि देखलो तमे पार दने कोन करबो आयोजन आसला दियो मेसी देखलो धीरे धीरे बैलेंस हेगा माने मु तलो दे पानी कि तमो को ऊपर दे पर तने से कैसे
ମୁଁ ଯେତିକି ପ୍ରେସର ବା ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ତମେ ସେତିକି ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଷ୍ଟେବୁଲ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏଠି ହଲି ପାରିଲାନି। ସିମିଲାରଲି ଭେପର ପ୍ରେସର, ଯେଉଁ ଭେପର ଯେଉଁ ପ୍ରେସର ଅଛି, ଯେତେ ଯାଏଁ ସେ ଆଟମସ୍ଫିୟରିକ ପ୍ରେସର ସହିତ ସମାନ ହେଇନି କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇନି, ସେ ସେତେ ଯାଏଁ କ'ଣ କରିପାରିବ, ମାନେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। ତମେ ତିନି ଜଣ ଆସିଲ, ହଁ ମୁଁ ଟେକି ଫୁଆଡ଼ ଦେଲ, ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ସେଇ କେସ୍ରେ, ତମର ଫୋର୍ସ ଅଧିକା ଆସିଲା ବା ତମ ପ୍ରେସର ଅଧିକା କ୍ରିଏଟ୍ କଲ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ମୁଭ୍ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ମୁଭ୍ କରିବାକୁ। ସିମିଲାରଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଲିକ୍ୟୁଇଡ଼ର ଭେପର ପ୍ରେସର ୱାଟର ଯେଉଁ ଫର୍ମେସନ କରୁଛି ଭେପର କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରେ, 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରେ, ସେଇ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ୱାଟର ଭେପର ଫର୍ମେସନ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ ପ୍ରେସର ସହିତ ସମାନ ହେଉଛି। ନର୍ମାଲି ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ ପ୍ରେସର କେତେ ଥାଏ, 180। ତେଣୁ 180 ସହିତ ସମାନ ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ୱାଟର କ'ଣ କରିପାରିବ, ଏଭାପୋରେଟ୍ କରିପାରିବ। ଏଭାପୋରେଟ୍ କରୁଛୁ ମାନେ ଜାଣିଗଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ବଏଲିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଗୋଟେ ଲିକ୍ୟୁଇଡ଼ର ଭେପର ପ୍ରେସର କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ ପ୍ରେସର ସହିତ ସମାନ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବଏଲିଂ କରିବା। ମନେ ରଖିବ ଗୋଟେ ଲିକ୍ୟୁଇଡ଼ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର, ବା ତା ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର ଯେତେ ଆମେ ହିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଏଇ ୱାଟରକୁ ବଏଲ କରେ, ୱାନ୍ସ ଗୋଟେ ୱାଟର ବଏଲ ହେଇଯାଉଛି ତା'ର ଟେମ୍ପରେଚର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହେ, ରିମେନ୍ସ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହେ, କାରଣ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ମ୍ୟାଟର ଆଉ ଏନର୍ଜି କ'ଣ କରିବ, ସରାଉଣ୍ଡିଂ ସହିତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଚାଲିଥିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆଉ ବଏଲ କରିବ, ବଏଲ ତ କରୁଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ, ସେ 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରେ ବଏଲ କରୁଛି, ଥର୍ମୋମିଟର ଆଣି ଚେକ୍ କରିବ, ୱାନ୍ସ ୱାଟର ବଏଲ କରିଗଲେ 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅଛି, ତୁମେ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର୍ ପରେ ଆସିକି ଚେକ୍ କରିବ, 30 ମିନିଟ୍ 50 ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟାଟେ ପରେ ଚେକ୍ କରିବ, ଆସିକି ସେ ୱାଟର ବି ଟେମ୍ପରେଚର କେତିବ 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ତେଣୁ ୱାନ୍ସ ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ ବଏଲ କରିଯାଉଛି ତା ଟେମ୍ପରେଚର ରିମେନ୍ସ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଟେମ୍ପରେଚରଟା କ'ଣ ରହିବ, ରିମେନ୍ସ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବଏଲିଂ ବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର କେତେ ପାଇଯିବା, ତା ଏଇ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ, ତା ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଲିକ୍ୱିଡ ବଏଲ କରିଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ତା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର। ମନେ ରଖିବ ତା ଲିକ୍ୱିଡ଼ ୱାନ୍ସ ବଏଲ କରିବ ତା ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିବାର ଆଉ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇ ଟେମ୍ପରେଚର ସେ କ'ଣ କରିଗଲା, ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ ପ୍ରେସର ସହିତ ସମାନ ହେଇଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ମ୍ୟାଟର ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଏନର୍ଜି କ'ଣ କରିପାରିଲା, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିପାରିଲା ସରାଉଣ୍ଡିଂ ସହିତ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ, କାରଣ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଜାଣିଗଲେ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଭେପର ପ୍ରେସର କ'ଣ ହେଉଛି, ବିକମ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ ପ୍ରେସର, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ, ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ। ତା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଏଠି ତାହେଲେ ଚେକ୍ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସଲଭେଣ୍ଟ ଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଏ ବା ସଲଭେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସଲ୍ୟୁଟ, କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ସଲ୍ୟୁଟ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ସଲ୍ୟୁସନ ଫର୍ମେସନ ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏଠି ଏ ରହିବ, ବି ରହିବ, ଏ ରହିବ, ବି ରହିବ, ତାହେଲେ ଏ ଭେପର ଫର୍ମେସନ କରିବ। ତାହେଲେ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବା, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଓର ଲିକ୍ୱିଡ ଏର ବା ସଲଭେଣ୍ଟର କ'ଣ ଆସିବ, ଭେପର ପ୍ରେସର ସବୁବେଳେ ଅଧିକା ଆସିବ, ଭେପର ପ୍ରେସର କେସ୍ରେ ସଲଭେଣ୍ଟର ଅଧିକା ଆସିବ, ସଲ୍ୟୁସନ କମ୍ ଆସିବ ଜାଣିଗଲେ, କାରଣ ସଲ୍ୟୁସନରେ କ'ଣ ଥାଏ, ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ସଲ୍ୟୁଟ, ଯିଏ କ'ଣ କରେ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ କଭର କରିକି ସେ କ'ଣ କରେ, ବଲ୍ରେ ଥିବା ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଏଭାପୋରେଟ୍ କରିବାକୁ ଦିଏନି, ବା ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି କମିଯାଏ ଏଭାପୋରେଟ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଲିକ୍ୱିଡ ଏ ବା ତାକୁ ଏମିତି ସଲ୍ଭେଣ୍ଟ, ପିଓର ସଲ୍ଭେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି, କେବଳ ଲିକ୍ୱିଡ ଅଛି, ତାକୁ ଟେମ୍ପରେଚର ଦେବା ମାନେ ସେ ଭେପର ଫର୍ମେସନ କରିବ। ସୋ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା, ଗୋଟେ ସଲ୍ଭେଣ୍ଟ ବା ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍, ସରି ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ସଲ୍ଭେଣ୍ଟର ଭେପର ପ୍ରେସର କ'ଣ ଆସିବ, ସବୁବେଳେ ଭେପର ପ୍ରେସର ସଲ୍ୟୁସନ ଠାରୁ କ'ଣ ଆସେ, ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ଆସିବ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚେକ୍ କରିବା ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ, ତମେ ନିଜେ ଭାବ, ପିଓର ଲିକ୍ୱିଡ ଅଛି ଏକ କେସ୍ରେ, ପିଓର ସଲ୍ଭେଣ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କେସ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ଲିକ୍ୱିଡ ସହିତ ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ସଲ୍ୟୁଟ ଅଛି, ବି ଅଛି, ବି କ'ଣ କରୁଛି, ତାକୁ ଇଜିଲି ଭେପର ଫର୍ମେସନ କରେଇ ଦେଉନି। ତାହେଲେ ବିକୁ ଏଭାପୋରେଟ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅଧିକା ଟେମ୍ପରେଚର ଦରକାର, ବି ଯେହେତୁ ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍, କିନ୍ତୁ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ କେସ୍ରେ ଇଜିଲି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଇଜିଲି ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ବଏଲ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସଲ୍ୟୁସନ କେସ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, ବି ହେଉଛି ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ବା ସଲ୍ୟୁଟ ହେଉଛି ନନ୍ ବା ସଲିଡ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି, ୟୁରିଆ ହେଇପାରେ, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ହେଇପାରେ, କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ମାନେ ଏମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ଭେପର ହେବିନି, କାହାକୁ ଭେପର କରିବାକୁ ଦେବିନି, ସେ କ'ଣ କରି ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ କଭର କରିଦେବେ, କାହାକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିବେନି। ମୁଁ କହିଥିଲି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପକାଇଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ବା ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ ମାନେ ଆଉ ପାସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ କେସ୍ ଯଦି ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବା, ପିଓର ଲିକ୍ୱିଡ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ରେ ସଲ୍ୟୁଟ ସଲିଡ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଅଛି, ସଲିଡ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ନିହାତି ଏଭାପୋରେଟ୍ ନ କରିବା ଯାଏଁ ଓ ଲିକ୍ୱିଡ ବଏଲ କରିବ ନାହିଁ। ସୋ ଯଦି ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବା, ଯଦି ମନେ କରିବା ଏଇଟା ଟି ବି ନଟ୍ ହେଉଛି ସଲ୍ଭେଣ୍ଟ, ପିଓର ସଲ୍ଭେଣ୍ଟର ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଟି ବି ନଟ୍ ହେଉଛି ପିଓର ସଲ୍ଭେଣ୍ଟର କ'ଣ ଆସିଲା, ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଟି ବି ହେଉଛି ପିଓର ସଲ୍ୟୁସନ ନ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ, ତେଣୁ କାହା ଏଇ କେସ୍ରେ କାହାର ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଧିକା ଆସିବ,
ସଲଭେଣ୍ଟର ଆସିବ ନା ସଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟେନିଙ୍ଗ ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ସଲ୍ୟୁଟ୍ର ଆସିବ। ମୁଁ କହିସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିକ୍ୟୁଇଡ଼କୁ ବଏଲ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କେସ୍ରେ ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ସଲ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, ସେଇ ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ସଲ୍ୟୁଟ୍କୁ ଆମେ ଯେ ଯାଇ ଏଭାପୋରେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଯାଇ ସେ କ'ଣ କରିବ ନାହିଁ, ମଲିକୁଲ୍ସ ବା ଲିକ୍ୟୁଡ଼ ମଲିକୁଲ୍ସ ମାନେ ଏଭାପୋରେଟ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ସଲ୍ୟୁଟ୍କୁ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ବା ଏଭାପୋରେଟ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅଧିକା ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଢ଼ିଛି। ତାହେଲେ ଏଇ କେସ୍ରେ ପିଓର ସଲ୍ଭେଣ୍ଟର ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସହିତ ତାହେଲେ ପିଓର ସଲ୍ଭେଣ୍ଟର ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ କମ୍ ଆସିବ, କାରଣ କେବଳ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ଲିକ୍ୟୁଡ଼ ଅଛି, ଏଥିରେ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ଲିକ୍ୟୁଡ଼ କଣ୍ଟେନିଂ କ'ଣ କହିଲେ ଏଠି ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ସଲ୍ୟୁଟ। ତାହେଲେ ଏନର୍ଜି ମ୍ୟାଟର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ସହିତ ବା ବଏଲ ହେବ, କେତେବେଳେ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ସଲିଡ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ମାନେ ଏଭାପୋରେଟ୍ ହେଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇ ଯେଉଁ ବଲ୍ରେ ଥିବା ବି ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ସରି ଏ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ ଯେଉଁ ରହିଲା ଏମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଏଭାପୋରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯେତେ ଯାଏଁ ବି ରହିଯାଇଛି ସର୍ଫେସ୍ ଉପରେ ସେ କାହାକୁ ବଏଲ କରିବାକୁ ଦେବନି। ତାହେଲେ ଆମେ ବଏଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ବଲ୍କ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସକୁ ବିକୁ ଆଗେ କ'ଣ କରିବା ଏଭାପୋରେଟ୍ କରିବା। କେମିତି କରିବା, ଟେମ୍ପରେଚର ଦେବା, ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼େଇବା, ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼େଇଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସଲିଡ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଭେପର୍କୁ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଟି ବି ନଟ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖ, ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପିଓର ସଲ୍ଭେଣ୍ଟ, ପିଓର ଏଇଟା ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଏହା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଓର ସଲ୍ଭେଣ୍ଟର ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଆମେ ଚେକ୍ କରି ଦେଖିଲେ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସଲ୍ଭେଣ୍ଟ କମ୍ ଆସୁଛି, ହ୍ୱାଇଲ୍ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ଅଧିକା ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଠି ଏଲିଭେସନ୍ ଟି ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ପାଇଯିବ, ଟି ବି ମାଇନସ୍ ଟି ନଟ୍ ବି ପାଇଯିବା। ତାହେଲେ ଡେଲ୍ ଟି ବି ଡେଲ୍ ଟି ବି ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଲିଭେସନ୍ ଇନ୍ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଏଲିଭେସନ୍ ଇନ୍ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ। ମୁଁ କହିଲି ବିର କାମ ତାହାକୁ ଯିବାକୁ ଦେବିନି, ତେଣୁ ବିକୁ ବିଦା କରିବାକୁ ହେଲେ ବା ହେପର୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ବା ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ବଢ଼ିଗଲା। ଫଏଲ୍ ପିଓର ସଲ୍ଭେଣ୍ଟରେ କେବଳ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଦେଲେ ସେ ଇଜିଲି କ'ଣ କଲା ଏଭାପୋରେଟ୍ କରିଗଲା। ସୋ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ କମ୍ ଆସିବ, ଅଧିକା ଆସିବ, ଆଉ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ମାଇନସ୍ ସଲ୍ଭେଣ୍ଟର ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିଲେ, ଏଲିଭେସନ୍ ଇନ୍ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଡେଲ୍ ଟି ବି କହୁଛନ୍ତି। ଜଲ୍ଦି ନେଇଯ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇଯାଅ। ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ସଲ୍ଭେଣ୍ଟର ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା, ସେଇ କେସ୍ କାହାର ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଧିକ ଆସେ ସଲ୍ୟୁସନ୍, କାରଣ କହିସାରିଛି ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ସଲ୍ୟୁଟ୍ ରହିଲେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଭେପର୍ ପ୍ରେସର ସେ କମେଇଦେବ, କାରଣ ଭେପର୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବାକୁ ଦେବନି, କିନ୍ତୁ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ବଢ଼େଇଦେବ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ବଢ଼ୁଛି ମାନେ ଯଦି ଯେତେ ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ବଏଲ୍ କଲା ଲେଟ୍ରେ କରିଛନ୍ତି ଭେପର୍ ପ୍ରେସର କମ୍, ତେଣୁ ମନେ ରଖିବା ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ସଲ୍ୟୁଟ୍ କ'ଣ କରୁଛି, ଭେପର୍ ହେବାକୁ ଦେଉନି ବା ବଏଲ୍ କରିବାକୁ ଦେଉନି। ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ସଲିଡ୍କୁ ଭେପର୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅଧିକା ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ହେଲା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସଲ୍ଭେଣ୍ଟର ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି କମ୍ ଅଛି। ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖ, ନୋଟ୍ ଚେକ୍ କର, ଦ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଏଲିଭେଟ୍ସ ବା କମେଇ ଦେଉଛି, କୁହନ୍ତି ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ସଲ୍ୟୁଟ୍ ଇଜ୍ ଆଡେଡ୍ ଟୁ ଏ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ସଲ୍ୟୁଟ୍, ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବା ହ୍ୱିଚ୍ ଅକର୍ସ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଲୋୟରିଂ ଦ ଭେପର୍ ପ୍ରେସର, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ସଲ୍ୟୁଟ୍ ଭେପର୍ ପ୍ରେସରକୁ କମେଇ ଦେଉଛି, ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ସଲ୍ୟୁଟ୍ when a non volatile solute is added to a volatile solvent results lowering in vapor pressure consequently elevation in boiling point consequently consla elevation in boiling point no boiling point kete change hela non volatile solute kon korchi vapor pressure kamai dochi edi gote solvent kon korchi non volatile solute content possess karuchi sei case re se solution no vapor pressure kamuchi karan koichi ko non volatile solute ଯେତେ ଯାଏଁ ଭେପର୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରିନି ସେ ବଲ୍ରେ ଥିବା ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସକୁ ଭେପର୍ କରିବାକୁ ଦେବନି, ସେ ନିଜେ ମରିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ମରିବ, ତା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତାକୁ ଆମେ ବିଦା କରିବାକୁ ହେଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଦେବା, ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଦେଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ସଲିଡ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଭାପୋରେଟ୍ କରିଯିବ, ଆଉ ଯଦି ଏଭାପୋରେଟ୍ କରୁଛି ଅଧିକା ଟେମ୍ପରେଚର୍ ତାହେଲେ ଅଭିୟସ୍ଲି ତା ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଧିକା ଆସିଲା, ତ ସଲ୍ୟୁସନ୍ର ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଧିକା ଆସିଲା, ଫାଇଲ୍ ସଲ୍ଭେଣ୍ଟର ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଆସିଲା କମ୍ ଆସିଲା, ଚେକ୍ ବୁଝିପାରିବେ।
ତାହେଲେ ଗ୍ରାସ କରିପାରେ। ଗ୍ରାଫ ରେ ନେଇଯିବା ଏଠି ଟେମ୍ପରେଚର କେଲଭିନ ରେ ନେବା ହେଲା। ଟେମ୍ପରେଚର ଏଇଟା ହେଉଛି ମନେ ରଖିବା ଏଠି ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଭେପର ପ୍ରେସର ତ ଆମେ ଯାଇଛୁ ସେଠି ନିଜେ ଭେପର ପ୍ରେସର ସେଇ କେସ ଆମେ ଚେକ୍ କରି ଆସୁ କାରଣ ଭେପର ପ୍ରେସର ଟର୍ମରେ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ପୁରା ଲିକ୍ୱିଡ୍ର ଭେପର ପ୍ରେସର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ ପ୍ରେସର ସହିତ ସମାନ ହେଉଛି ତାକୁ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟଟା ଭେପର ପ୍ରେସର ସହିତ ରିଲେଟେଡ। ସଲଭେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରହୁଛି ତା ଭେପର ପ୍ରେସର ଅଧିକା ନା ତା ଭେପର ପ୍ରେସର କ'ଣ ତା ଭେପର ପ୍ରେସର ଅଧିକା ନା ଭେପର ପ୍ରେସର କ'ଣ ସଲଭେଣ୍ଟର ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଆସିବ ଭେପର ପ୍ରେସର ଅଧିକା ଆସିବ। ରିଜିନ୍ କହିଲି ସଲଭେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି କେବଳ ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ସଲଭେଣ୍ଟ ରହୁଛି ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ସଲଭେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଇଜିଲି ସରି ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ସଲଭେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଇଜିଲି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଭେପର ଫର୍ମେସନ କରୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯିଏ ଇଜିଲି ଭେପର ଫର୍ମେସନ କରିବ ସେ ଇଜିଲି କ'ଣ କରିପାରିବ ବା ତା ଭେପର ପ୍ରେସର ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବଢ଼ିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଲଭେଣ୍ଟ ସଲଭେଣ୍ଟର ଭେପର ପ୍ରେସର ଗ୍ରାଫ ତ ଯଦି ସେଇ କେସ୍ରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟେନିଙ୍ଗ ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ସଲ୍ୟୁଟ୍ ବା ତାକୁ ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅବଭିଅସ୍ଲି ସଲ୍ଭେଣ୍ଟର ତାର କମ୍ ଆସିବ କାରଣ ଦେଖ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଭେପର ପ୍ରେସର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସଲ୍ଭେଣ୍ଟର ଭେପର ପ୍ରେସର ଅଧିକା ଆସୁଛି କ'ଣ ଆସୁଛି କମ୍ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ମନେ କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ ପ୍ରେସର ବା 180 ନେଇଯାଇପାରିବା ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ ପ୍ରେସର ବା ତାକୁ ଆମେ କହିକି ପଡ଼ିବା 180 ଲେଖିପାରିବା ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ ପ୍ରେସର ତାହେଲେ ଦେଖିଲେ ଭେପର ପ୍ରେସର କେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ ପ୍ରେସର ସହିତ ସମାନ ହେଲା ଏଇ ପଏଣ୍ଟ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଇଏ ବି ଏଇ ପଏଣ୍ଟ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଟେମ୍ପରେଚର ଆକ୍ସିସ୍ ସହିତ ତାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବା ଟେମ୍ପରେଚର ଆକ୍ସିସ୍ ସହିତ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବେ ତାହେଲେ କାହାର ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଧିକା ଆସିଲା ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ଭଟା ଆସୁଛି କାହାର ସଲ୍ୟୁସନର ସଲ୍ୟୁସନର ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ କ'ଣ ନେଇଛନ୍ତି ଟି ବି ନେଇଛନ୍ତି କହି ସଲ୍ଭେଣ୍ଟର ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଠି ଟି ନଟ୍ ବି ନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନେଇଛନ୍ତି ଟି ନଟ୍ ବି ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ଦେଖ ସଲ୍ଭେଣ୍ଟର ଭେପର ପ୍ରେସର ସବୁବେଳେ ଅଧିକା ହେଲି କାହିଁକି କହୁଛି ସଲ୍ଭେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଯେଉଁଟାକି ଇଜିଲି ଭେପର ଫର୍ମେସନ କରେ ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯିଏ ଇଜିଲି ଭେପର ଫର୍ମେସନ କରେ ତା'ର ଭେପର ପ୍ରେସର ଅଧିକା କିନ୍ତୁ ସଲ୍ୟୁସନରେ କ'ଣ ଅଛି ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ସଲ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ଯିଏ କ'ଣ କରୁଛି ଭେପର ଫର୍ମେସନ କରିବାକୁ ଦେଉନି ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ଯାହା ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ବଲ୍ କରିଥିବା ମଲିକୁଲ୍ସକୁ ସେ ଏଭାପୋରେଟ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସିଟା କମେଇ ଦେଉଛି ତାହେଲେ ସେଇ ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ସଲିଡ୍କୁ ଏଭାପୋରେଟ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ବା ଟେମ୍ପରେଚର ଦେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ସଲିଡ୍କୁ ଆଣିପାରିବ ଏଭାପୋରେଟ୍ କରିପାରିବ ତେଣୁ ଯଦି ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍କୁ ଏଭାପୋରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧିକା ଟେମ୍ପରେଚର ଲାଗିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସଲ୍ୟୁସନର ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ବଢ଼ିଗଲା ଯାହାକି ଆମେ ଚେକ୍ କଲେ ସଲ୍ଭେଣ୍ଟର ଭେପର ପ୍ରେସର ଅଧିକା କାରଣ ଦେଖ ଏଠି ଯେତେ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ୁଛି ଭେପର ପ୍ରେସର ଯେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସଲ୍ଭେଣ୍ଟର ସବୁବେଳେ ଅଧିକା ଆସିବ ସଲ୍ୟୁସନ କମ୍ ଆସିବ ତା ମନେ କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଗ୍ରାଫ୍ଟା ଡକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ ପ୍ରେସରକୁ ମିଟ୍ କରୁଛି ମନେ କଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି 180 ବା ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ ପ୍ରେସର ଆମେ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବା 180 ବା ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ ପ୍ରେସର ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ଚେକ୍ ଟଚ୍ କଲେ ସଲ୍ଭେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଟଚ୍ କଲା ପାଇଁ ସଲ୍ୟୁସନ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ଟଚ୍ କଲା ତାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କେଉଁଥିରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଆକ୍ସିସ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ଚେକ୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ ଆସୁଛି ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସଲ୍ୟୁସନ ଅଧିକା ଆସୁଛି ହ୍ୱାଇଲ୍ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସଲ୍ଭେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆସୁଛି କମ୍ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଚେକ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଡେଲ୍ ଟି ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟି ବି ମାଇନସ୍ ଟି ନଟ୍ ବି ସଲ୍ୟୁସନ ଅଫ୍ ଭେପର ପ୍ରେସରରୁ ଆଉ ସଲ୍ୟୁସନ ଅଫ୍ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟରୁ ସଲ୍ଭେଣ୍ଟର ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟକୁ ଡିଭାଇଡ୍ ବା ସରି କ'ଣ କରିଦେବା ଏଠି ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଯିବା ଏଲିଭେସନ୍ ଇନ୍ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଏଲିଭେସନ୍ ଇନ୍ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଏ ଗ୍ରାଫ୍ଟା ମୋଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ଏଲିଭେସନ୍ ଇନ୍ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଉ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରିଜିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଉ ଅସ୍ମୋଟିକ୍ ପ୍ରେସର ହେଉ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଚେକ୍ କରିବ ତୁମେ ଅସ୍ମୋଟିକ୍ ପ୍ରେସର କମନ ଅଛି ତ ବୁଝିପାରୁଛ ତ କଲିଗେଟିଭ ପ୍ରପର୍ଟି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲେ କଲିଗେଟିଭ ପ୍ରପର୍ଟି କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରପର୍ଟି କ'ଣ କରିଥିବ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମୋଲ୍ସ ଅଫ୍ ସଲ୍ୟୁଟ୍ ବା ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆୟନ୍ସ ବା ମୋଲ୍ସ ଅଫ୍ କେତେ ମୋଲ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଛି ମାନେ ସଲ୍ୟୁଟ୍ର ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ତା'ର ମନେ ରଖିବ ନେଚର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁନଥିବ ନେଚର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେ କ'ଣ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମୋଲ୍ସ ଅଫ୍ ସଲ୍ୟୁଟ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ କିଏ କଲିଗେଟିଭ ପ୍ରପର୍ଟି ଯଦି ଏ ଏଲିଭେସନ୍ ଇନ୍ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମୋଲ୍ସ ଅଫ୍ ସଲ୍ୟୁଟ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା କଲିଗେଟିଭ ପ୍ରପର୍ଟି ଯଦି ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ନାହିଁ ତା କଲିଗେଟିଭ ପ୍ରପର୍ଟି ନୁହେଁ ମନେ ରଖିବା କଲିଗେଟିଭ ପ୍ରପର୍ଟି ମନେ ରଖ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ
सी कि केवल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड ऊपर डिपेंड करे किंतु नेचर ऑफ सॉलिड ऊपर डिपेंड करे नहीं केवल कौन करिबो केते सॉलिड पार्टिकल्स अछन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ऊपर डिपेंड करिबो किंतु नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ऊपर डिपेंड करिबो ता कम कौन कहबा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तें ग्राफ चेक कर ताली किंतु हमें किछ फ्रॉम एक्सपेरिमेंट को जानिया को पाले जे डेल टी बी जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी स्मॉल ए मोलालिटी मोलालिटी फॉर्मूला हम कोन जानथिले डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय कसला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केज मास ऑफ सॉल्वेंट इन केज तन देखिले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करछ ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर डिपेंड करछ तो डायरेक्टली डिपेंड करछ माने तन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोन से थी ओटे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तन मन रखिबा आज डेल टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट depends upon the number of moles of solute. So it is a colligative property. Proof kar dena. So it is a colligative property. Ane elevation in boiling point aachuka. Gote colligative property kemi janle jehetu एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पर डिपेंड करछि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ऊपर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऊपर और नंबर ऑफ आयंस ऊपर और मोल फ्रैक्शन ऊपर से डिपेंड करछि तन जदि गोटे सॉल्यूशन प्रॉपर्टी डिपेंड करिवो केवल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स से किंतु नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ऊपर डिपेंड करिवो नै तार तक हम कम कहिबा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट जानिया पले कोनटी फ्रॉम एक्सपेरिमेंट कोन जानिया पहिले चेंज इन बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉन्स्टेंटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम कौन मोलालिटी तर मोलालिटी फॉर्मूला में जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केज तब आउट एक्सपांड करेगा जल्दी आप स्क्रीनशॉट में लगा हाँ देखले कौन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करछि सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम टर्म कौन पाई चंती डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी इज कौन पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी हम प्रोपोर्शनलिटी उठे देले हम कौन पाई जीवा कांस्टेंट पाई जी इज इक्वल टू के बी इनटू मोलालिटी माने के बी कौन पाईबा जोटा हमें ऑलरेडी हम देई सचल टॉपिक रे इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट साइंटिस्ट का नाम जे हेची बात को कोन कहि परबा मोलार एलिवेशन कांस्टेंट कहि पर के बी कम कोन कहि परबा मोलार एलिवेशन कांस्टेंट नोट लिखो डिटेल्स अछि और तक हम कोन कहि परबा एठी मोलार एलिवेशन कांस्टेंट मोलार एलिवेशन कांस्टेंट तो यूनिट ऑफ केबी हमें चेक करिबा यूनिट ऑफ केबी पादक इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट माने कोन पाई जिबा केबी माने देखि दियो कि हम नॉर्मल लिख दबा केबी इज इक्वल कोन लिख दि परिबा डेल टी बी चेंज इन बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय मोलालिटी तो माने कोन पाई जे देखो टेंपरेचर बा केल्विन आसीला आरो यूनिट कोन आसला केल्विन मोलालिटी आसी कोन मोल्स पर केजी मोल्स पर केज माने ऊपर ऊपर को आसीबो इनटू केजी मोल इनवर्स माने कार कांस्टेंट आसीला बा कार यूनिट आसीला एठी इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट को आसीला एठी यूनिट हमें पाई गेले केल्विन केजी मोल इनवर्स पर केल्विन केजी पर मोल हमें लिख परबा तने पचारीबो इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट को हम केमिति डिफाइन करबा इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट को करबा
केमिति डिफाइन करिया मन रखा जदि मोलालिटी को आम वन नहीं जा इफ मोलालिटी इज इक्वल टू वन मैंने कौन पाई एटी डेल टी बी इज इक्वल टू कौन लिखा युवलियोस्कोपिक कंस्ट्रक्ट बुझा बुझा जब मोरालिटी को आम कौन नहीं वन नहीं जा द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तेरे के बी डेफिनेशन लिख पार द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन वन मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन वन मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन कितना आसी डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हम यहां देखो देखो जेतु मोलालिटी सहित समान हो जाउछ मोलालिटी जो यूनिट हो गला तने कोन आसला चेंज इन एलिवेशन बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सहित समान हो गला इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट सहित समान हो गला तका डिफाइन हम कोन करि परिया लिख दियो एटी डिफाइन एज को लिख परिबा द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट जेतु ये काय तो समान हो जी इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट काय तो समान हो गला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोलालिटी हमें वन नहीं मोलालिटी वन नहीं मानते कौन होती वन मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कौटी डिजॉल्व होती जानते कौन थे सॉल्वेंट सॉल्वेंट खबर कौन रही है ग्राम मन रखा इबुलियोस्कोपिक डेफिनेशन लिख पार एमती जदि मोलालिटी वन आसूँ मोलालिटी वन आस मैंने कौन होती नंबर ऑफ मोल्स भी वन आसूँ डिवाइड बाय के जी आसला वन बै वन के आसला वन आसला मैंने वन मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कौन होती 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कौन हो डिजॉल्व हो आम कौन कह इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट कौन कह इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट जदि स्क्रीनशॉट नहीं जाओ प्रॉब्लम कर गोटे आगे पूरा ये कर सर प्रॉब्लम कर देखीदे डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी मोलालिटी फॉर्मूला कौन जानते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट माने कौन देखा वेट बाय मॉलिक्युलर मास देखे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय लाइक पर मोलाइट को शॉर्टकट लिख दे कौन थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख दियो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केज ए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मूला में कौन जानते गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट तने सॉल्यूट को नेगले केते थी डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय मोलर मास को केते नेगले एम बी इनटू 1000 चेंज कर दो ग्राम को 1000 बाय मोलर मास ऑफ बात तो देख पर बात मास ऑफ सॉल्वेंट इन केच सॉल्वेंट को ए नहीं जानते सॉल्यूट को बी नहीं जानते मन रखते सब ऑलरेडी बेडल पैसा छि सॉल्यूट को हमें नबा बी कॉइल सॉल्वेंट को हमें कौन नबा एठी ए सब बुक रे पाइबसिया सब बुक रे तुम सेट तने दी मोलालिटी फॉर्म ना पके देबा त वैल्यू पुट कर देबा कोथरे ए इक्वेशन पुट कर देबा तने कोन पाइ जिबा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू केते पाइबा के बी इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू केते पाइ जिबा डब्ल्यू बी बाय एम बी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय कोसला मास ऑफ सॉल्वेंट हम कोन दरकार एठी मास नो एटा एटा से डब्ल्यू ए एटा से डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी केता से डब्ल्यू ए एटा मोलर मास पई हम एम यूज करबा वेट पई नबा नंबर मॉलिक्यूल्स पई केते बात करिया एटी डब्ल्यू यूज करे जे वेट ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू बाय बी पाइले अन वेट ऑफ सॉल्यूट केते पईबा डब्ल्यू ए पई तने एक्सप्रेशन हम को पई जबा हम दरकार मोलर मास ऑफ कार एटा सॉल्वेंट सॉल्यूट रो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट केते पई जबा एटी एड लिख दियो केते आसीबो के बी इंटू के डब्ल्यू बी बसला डेल टी बी बा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर डब्ल्यू बी इंटू के आसला 1000 इंटू के डब्ल्यू ए इंटू के आसला डेल टी बी आस चेक कर डब्ल्यू ए बाय डेल टी बी कौन पाई आम चेक कर दिए
डब्ल्यू ए डब्ल्यू एटा कौन लिखी दिया वेट ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू बी आसता कौन लिखता वेट ऑफ सॉल्यूट एम ए कौन टी मोलार मास ऑफ सॉल्यूट मोलार मास ऑफ सॉल्यूट एम बी कौन लिख पार मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट ठीक है देखो ताने फाइनल एक्सप्रेशन में कौन पाई गले एम बी मोलार मास ऑफ सॉल्यूट केते पाई गले एठी के बी इनटू डिटेल्स पाई जेडा कि दिखता हूं व्हाइट बोर्ड रो छि डिटेल्स चेक कर दे मा आउ तो रिवीज कर दे रिवाइज कर दे चेक कर दे ओके हेला मैं कौन पहले चेक कर डिटेल्स हमें देखले को आगे गोटे सॉल्वेंट रा बॉइलिंग पॉइंट को हमने देखले एठी टी नॉट बी गोटे सॉल्यूशन रा बॉइलिंग पॉइंट को केते निकले एठी टी बी एंड सॉल्यूशन रे कौन छि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सो जेतु नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अछि एंड सॉल्यूशन रे कौन हिला एठी बॉइलिंग पॉइंट बढ़िया एंड ताको हमें रिलेट करबे का चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट बा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को कोन करबा एठी टी बी माइनस टी बी नॉट तक को एटा को हम कोन कहली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी किन मोलालिटी है तो जेतु डिपेंड करूची ता नंबर ऑफ डिपेंड करला सो एटी प्रूव भेला डेल टी बी होची गोटे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जे की कोन करची केवल केवल कहा पर डिपेंड करची नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करची नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर कोन करची डिपेंड करची ठीक अछि तबरे प्रोपोर्शनलिटी उठिया तो हमें कौन पाई गेले एठी डेल टी बी इज इक्वल टू केते पाई गेले के बी एम त के बी टा को हमें कौन कहले मोलार एलिवेशन कांस्टेंट बात को हमें कौन कह पाइले एठी इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट त देखि इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट रा यूनिट भी पाई गेले के बी रो यूनिट हमें केते पाइले एठी केल्विन इनटू केजी मोल इनवर्स त डिफाइन भी कले जेतु मोलालिटी 1 हेउछ बा नंबर ऑफ मोल्स भी 1 एंड मन कर कौन होची एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्वड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट जेतु मोलालिटी को 1 नै गेले बा नंबर ऑफ मोल्स भी 1 एंड सॉल्वेंट जो आसुची 1000 ग्राम लिख परे बा 1 केजी लिख परे सो जेतोले 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व होची कोथरे 1000 ग्राम बा 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट रे त का हमें कौन कहले एठी इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट नेक्स्ट हमें कौन जानती डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इनटू मोलालिटी हमें मोलालिटी का फार्मूला कौन जानती नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट माने कौन आसला गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट बाय मोलर मास इनटू केते आसीबो जेतु चेंज कर देले हमें ग्राम को 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट एटा होछ कौन वेट ऑफ सॉल्वेंट सो पुट कर दोर फेलू एंड डेल टी बी केते पाई गेले एठी इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट इनटू केते पाई गेले वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट हम दरकार कोन थी मोलर मास मास ऑफ बी बी माने कोन सी सॉल्यूट मोलर मास ऑफ बी तर केते पाई जिबा थी केते पाई गेले थी के बी इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू केते आसीला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एही फार्मूला पुट करी के हम कोन करबा प्रॉब्लम सब सॉल्व करबा बा डायरेक्ट तमे भी नंबर ऑफ मोल्स खाली मोलाल मोलालिटी तमे जानि छ त मोलालिटी को सेपरेट रखि लिख परिबो ए एक्सप्रेशन भी दरकार नै ए एक्सप्रेशन दरकार परिबो नि इजी तमे कर परिबो ओके ना जेति पढिले ताई त हम किछ प्रॉब्लम सॉल्व करिया देखिया प्रॉब्लम कोन छ तारु गुटे पॉइंट दे दी छ जोटा कि त लास्ट टु काम करबा ठीक अछि राजि प्रॉब्लम खाली सॉल्व करबा प्रॉब्लम प्रॉब्लम कौन दे चेक करो फर्स्ट प्रॉब्लम चेक करो कौन दे छी फर्स्ट प्रॉब्लम दे छी कोनो क्वेश्चन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कहो छी इज डिसॉल्वड इन वाटर इज कोनसिला डिसॉल्वड इन वाटर 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कहो छी वाटर रे डिसॉल्व हो छी फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन Find the boiling point of solution.
boiling point of solution given कौन देची boiling point of water हम जानते हैं समझते boiling point of water कितने 373 बाय 100 degree celsius लिख पे along with कौन देची ठीक ebullient copy constant का value कितने देची 0.52 kelvin kg per mole data दे देची नीचे ट्राई करो डाटा जहां देची डाट देखो तने फार्मूला चेक करो फार्मूला कौन छे थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम कौन जान चुनते थी इबुलियोस्कोपी कांस्टेंट इन मोलालिटी ये तो तने मोलालिटी फार्मूला में जान चुनती नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी तने चेक करते बा इट सॉल्यूट के नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के एठी अछि ग्लूकोज अछि तने ग्लूकोज नंबर ऑफ मोल्स फार कर दियो ग्लूकोज नंबर ऑफ मोल्स केते आसु छि एठी नंबर ऑफ मोल्स पे गिवन वेट केते वेट दे 18 ग्राम ग्लूकोज फार्मूला जानछो तो C6H12O6 जार मोलार मास केते आसीबो 180 आसीबो तने 18/180 जार कास लागे ते 1/10 आसे तने कोन पाइबा थी इबुलियोस्कोपी कांस्टेंट इन टू केते आसीला मोलालिटी केते आसछो कि 1/10 नंबर ऑफ मोल्स 1/10 आसीला नंबर ऑफ मोल्स केते आसीला कि 1/10 आसीला पर केजी केजी माने 1 ई लिखे दरकार नै पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट तन 1/10 रहिला तन के भी रो वैल्यू केते छै थी 0.52 इनटू केते आसला 1/10 तने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट केते पाइगले 0.052 पाइगले 0.05 तने सॉल्वेंट रो जहां बॉइलिंग पॉइंट हो सॉल्वेंट की है वाटर सॉल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तारो अधिक आसबो ना कम आसबो आ सॉल्वेंट रो बॉइलिंग पॉइंट तारो सॉल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सब बेले अधिक आसी तन चेक कर दवा हम फार्मूला जानछनी कोन TB minus T naught B is equal to del TB. And TB is equal to कितने पहली बात ही del TB plus T naught B. And del TB का फॉर्मूला कितने पाई जाने वैल्यू कितने पाई जाने 0.052 plus T naught B का वैल्यू कितने पाई जाने 373 केल्विन. And कितने पाई गए थे 373.052 केल्विन. And देखो सॉल्वेंट जितनी थी ला आठ हफ्ते क्या अधिकार से लेकर सॉल्यूशन मन रखे सब बड़े सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट कौन आस कम आस सॉल्यूशन थारु क्या सॉल्यूशन कौन अच्छी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अच्छी जहाँद्वारा कि वेपर फॉर्मेशन टेंडेंसी कमे दौर जहाँद्वारा कि बॉइलिंग पॉइंट कौन हो बढ़ी जाए प्रॉब्लम सॉल्व कर दे चेक कर दे जल्दी आ दीटा प्रॉब्लम करवा सेकेंड प्रॉब्लम सेकेंड प्रॉब्लम कौन देती है सिक्स ग्राम कौन देची यूरिया 6 ग्राम ऑफ यूरिया कौन देची एंड 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 6 ग्राम ऑफ यूरिया 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज are dissolved in 300 gram of water. Find the boiling point of solution. Given कौन दे ची? Boiling point of water दे ची. Pure water के दे दिला. 100 डिग्री सेल्सियस पर 373 पर 100 डिग्री सेल्सियस देखले किछ नहीं लास्ट तो हम चाहिए केल्विन को कन्वर्ट कर दे पर एलम विद केवी रा वैल्यू दैछि इबुलियोस्कोपी कांस्टेंट रा वैल्यू के दैछि 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स दैछि तो पचा छि को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ना को पचा छि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार पचा छि सॉल्यूशन पचा छि तने दि तम मन रे क्वेश्चन आसो दीटा यूरिया आछि भी ग्लूकोज आछि दीटा को नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट है अब मु कइसा चली ऑलरेडी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट केवल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स ऊपर डिपेंड करे से यूरिया आसु ग्लूकोज आसु सुक्रोज आसु जहां आसले मिक्स कर दबा नंबर ऑफ मोल्स पर कर दबा हम तन देखिबा एठी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट केते आसी जबे केस रे कार एठी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज का हम ऐड कर देले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम पाई गेले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया
দুজনে গিভেন ওয়েট 60 দেইছি দুজনে ফর্মুলা জানছ তো NH2 CONH2 যার মোলার মাস কত আসবে 60 সরল কইছি এটা কমন সব গ্লুকোজ ইউরিয়া সুক্রোজ সব কমন আসবে গ্লুকোজ ফর্মুলা জানছন্তি C6H12O6 যার মোলার মাস কত আসছি 180 এটা আমরা আর করতেও 1/10 প্লাস 1/20 এটা কো 0.1 এটা লিখ দি পারে কত 0.05 মানে কত লিখ দি পারি বাটি 0.05 বুঝ তো মানে কত পাই গেল টি 0.15 পাই গেল কোন টি নাম্বার অফ মোলস অফ সলিড পাই গেল নাম্বার অফ মোলস অফ সলিড কত পাই গেল 0.15 মানে ফর্মুলা আমি কোন জানছন্তি এলিভেশন ইন বয়লিং পয়েন্ট ইজ इक्वल टू ইভুলিওস্কোপি কনস্ট্যান্ট ইনটু মোলারিটি মানে মোলারিটি পে ফর্মুলা পকাইতে ডাইরেক্ট ইভুলিওস্কোপি কো ভ্যালু হইছে 0.52 ইনটু মোলারিটি পাই নাম্বার অফ মোলস অফ সলিড পাই গেল কত এটি 0.15 ডিভাইড বাই 300 ग्राम देई त केजी कन्वर्ट कर दबा 1000 इटा सुनो कटि गेला 110 टा को करियो ग्रुप पळे 0.52 इनटू 0 1.5 10 टा ग्रुप पळेबो 10 ग्रुप पळे केते आसीला जी 1.5 डिवाइड बे केते आसला 3 पण 3 रे काटले केते आसबो जी 0.5 अन काटि देबे 52 रे 5 मल्टीप्लाई कर दो केते आसला 260 260 डिवाइड पॉइंट केते आस डीटा टी गोटे तने 1000 डिवाइड कर दियो त केते आसला जी 0.26 आसीला कोनो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किंतु पचाची को दे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पचाची माने फार्मूला हम जान जनी कोन डेल टी बी इज इक्वल टू कोन टी बी माइनस टी नॉट बी एंड डेल टी बी हम केते पाइला ठी 0.26 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम जानि नथि बा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जानि नथि आर के देछि 100 डिग्री सेल्सियस सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल केते पाइ जिबा ठी 0.26 प्लस 100 केते आसेला 100.26 डिग्री सेल्सियस तक कन्वर्ट कैन वैल्यू चाहिए तो कन्वर्ट कर परिबो देखिले कि कैसे कोनो प्योर सॉल्वेंट रो बॉइलिंग पॉइंट देखो टोटल सॉल्यूशन रो बॉइलिंग पॉइंट देखो ठीक है अधिक आसी ना आसु सब बळे प्योर सॉल्वेंट रो बॉइलिंग पॉइंट अपेक्षा कहार अधिक आसीबो सॉल्यूशन सब बळे अधिक आसीबो सॉल्वेंट रो कांसे सब बळे कांसे कम आसी पूरा ट्रिक्स प्रोग्राम पूरा देइचे आ पूरा मोर अछि त कोन डाटा देइस तुम देखि पाइले इजीली तुम कर परिबो जल्दी स्क्रीनशॉट नै जाओ लास्ट यदि केवी गिवन नथिबो एटा बहुत रेयर केस यदि 100 सोयटा क्वेश्चन आसो हेतरे 0.1% अछि कारो कि पाउ पावर लेस हे परबो एटा कि केवी रो वैल्यू देने थियो केवी रो वैल्यू न देथले डायरेक्ट फार्मूला में पुट करियो केवी आ चेक कर दियो नोट रे अछि तमरो एंड इफ केवी इज नॉट गिवन इवलियोस्कोपिक इज नॉट गिवन इफ केवी इज नॉट गिवन तो फार्मूला मन रखिबो फर्मुला कौन दौर केवी रमुला मन रखिए दौर आर मैं रियल गैस कन्स्टाट इंटु के टी नट बी रोल स्क्वयर इंटु के मोलार मास डिवाइड बाय के आस 1000 इंटु के एन्थाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इंटु के एन्थाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन आर वैल्यू आम जानते 8.314 हो पे 2 हो पे किसी भी हो पे यहाँ मन दौर खाली यहाँ हूँ रियल गैस कन्स्टाट बा यूनिवर्सल गैस कन्स्टाट रियल गैस कांस्टेंट के भी हम जान चंती टी नॉट बी कोनो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट पर खाली सॉल्वेंट लिख परबा एलो मुठ एम होच कोनो मोलार मास एलो एल एम होच को मोलार मास डेल एच वेपर होच कोनो की एन्थाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एन्थाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एन्थाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन माने द 1 मोल ऑफ वेपोराइजेशन वेपर करिया 1 मोल ऑफ लिक्विड को करिबा वेपर को कन्वर्ट करिबा ता पई जति की एन्थाल्पी चेंज होची ता को हम एन्थाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कहिला तमन में के अदर कोची व्हेन 1 मोल ऑफ ए सॉल्यूट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू इट्स वेपर स्टेट तन ताप यदि कि एन्थाल्पी चेंज होची ता को हम कोन कहिबा एन्थाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पाले परिवाटी द चेंज इन एन्थाल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ ए लिक्विड इज कन्वर्टेड टू इट्स वेपर फॉर्म ता को हम कोन कहिबा एन्थाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन तन एन्थाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन फार्मूला कोन अछि जानिछो ना जानिछो एन्थाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन फार्मूला अछि जानिछो ना जानो
डायरेक्ट कह दियो मन रखे एंथाल्पी वेपोराइजेशन फॉर्मूला होची कौन लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इनटू मोलार मास तने एलवीटा होची कौन लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मोटे क्वेश्चन पर एकदम बुझ पर अंकल तो गोटे गिवन थियो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन थिबो बाय चेंज इन एंथाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन थिबो जहाँ तो गोटे डाटा धार कर पार जहाँ पचार बेसी पचारे भितर टोटाल डायरेक्ट फर्मुला भी पचार दे पारे क्वेश्चन गोटे सल्व करवा देख ये कैलकुलेट द के बी इजिप्ट निजे सल्व कर खाली कर दूसरी कैलकुलेट इबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट कौन दे फॉर वाटर फॉर का वाटर गिवेन कौन दे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन तार के वाटर र 540 कैलोरी पर ग्राम दे दीजिए एलॉन्ग विथ कौन दे वाटर र बॉइलिंग पॉइंट के दे दीजिए 373 केल्विन पर 100 डिग्री सेल्सियस दे दीजिए एलॉन्ग विथ कौन दे लैटेंट ऑफ वेपोराइजेशन दे दिला आर वैल्यू दे दीजिए कितने थी आर तो वैल्यू आंसर थी 2 कैलोरी पर मोल इन मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स एलॉन्ग विथ आउट कौन दे दिला हमें वाटर र मोलार मास जान छी कितने 80 नेट फार्मूला पुट करो के बी आर वैल्यू 2 पर गेला केन टी नॉट बी रो फार्मूला के वैल्यू के देछि 373 केल्विन होल स्क्वायर इनटू कितना आसला मोलर मास आसला केते 18 डिवाइडेड बाय 1000 रु एंथाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन त लैटेंट हीट जते देछि 540 देछि त कोन करिया मोलर मास मल्टीप्लाई कर देबा माने 540 इनटू कितना आसला 18 दैट फार्मूला पुट करिवो आंसर जा भरिबो जाउछि के बी रो आंसर ट्राई करिवो सॉल्व करिवो त आंसर जल्दी प्रोवाइड करिवो हां ना जेम पढ़ले बहुत इंपोर्टेंट जोटा कि पढ़ले कौन कलिगेटिव प्रॉपर्टी आम आगे जानते हैं कलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन जी की केवल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ऊपर डिपेंड करछि तने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट गोटे कौन देखिले एटा गोटे कलिगेटिव प्रॉपर्टी एज इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स तो देखिले इबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट यूनिट चेक कले देखे आसला केल्विन केजी मोल इनवर्स तापर हम देखे गले मोल्स पकई बा मोलारिटी पकई फार्मूला हम बाहर करछु जदि के बी रैल्यू गिभेन नए अनुसार केमी पकड़ डायरेक्ट फर्मुला मन रख तुम फर्मुला पुट कर तुम डायरेक्ट कौन कर आंसर हाथ कर मेन इंपोर्टेंट मन रखे सल्भेन्ट प्योर सल्भेन्ट वेपर प्रेसर को जब टोटाल सल्यूसन वेपर प्रेसर सहित कंपेयर करवा आम जानते कार वेपर प्रेसर अधिक सल्भेन्ट कि बॉइलिंग पॉइंट यदि केस को आसो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रहिला से केस कौन हम से सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉलिड पार्टिकल्स को एवापोरेट करने को आम गुड़ाई एनर्जी देखा सो सल्यूसन बॉइलिंग पॉइंट कौन जो बढ़ी जो थे कि वोलेटाइल लिक्विड कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट केस रे सल्यूसन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रीजन कहली केवल तार कौन पाई कहली केवल हूँ तार टेम्परेचर बढ़ियापी जोटा कि एवापोरेट करने को दबन एवापोरेट करने को अधिक एनर्जी अधिक टेम्परेचर दरकार जहाँद्वारा कि सल्यूसन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाठार सॉल्वेंट डिटेल्स चेक कर गोटे कलिगेटिव प्रॉपर्टी आप गुड़ाए प्रोब्लेम करवा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ले आम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा जब कलिगेटिव प्रॉपर्टी सर जाए आई आसो से कलिगेटिव प्रॉपर्टी वैंडर फैक्टर आसो ये आम कौन करवल नन इलेक्ट्रोलाइट यूज कर नन इलेक्ट्रोलाइट जो थे वैंडर फैक्टर वैल्यू वन सो किसी फरक पड़े जो वैंडर फैक्टर आसीजो इलेक्ट्रोलाइट आसीगला तो वैंडर फैक्टर चेक करके आम डिटेल्स कम कर फर्मुला प्रूव कर टिल देन गुड बाय गॉड ब्लेस यू सोशल डिस्टेंस मेंटेन करथु भलो रहो भलो भाव घरे रहो पाठ पढ़ो जहाँ भी असुविधा हो मतलब पचार टिल देन गुड बाय गॉड ब्लेस यू।